फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएसटी की एनुअल रिटर्न को लेकर काफी कंफ्यूजन आ रहा है कि जीएसटी की एनुअल रिटर्न, जीएसटी आर 9 एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जीएसटी आर 9 फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी। ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड एनुअल रिटर्न में काफी सारे चेंजेस हैं, उसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेट एक्सटेंड होगी। बट अभी तक जीएसटी पोर्टल पर इसकी कोई भी न्यूज नहीं है, तो आप किसी भी फेक न्यूज के चक्कर में ना पड़े। कुछ ऐसी न्यूज आ रही है, क्या आ रही है कि जी वहां पर जीएसटी पोर्टल पर जब हम लॉगिन करते हैं तो वहां पर एनुअल रिटर्न में ड्यू डेट शो नहीं हो रही है। तो उसका क्या रीजन है वो मैं यहां पर आपको एक बार बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा दो पॉइंट हो रहे हैं, उसके बेस पर यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है, 4-5 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न को कंपाइल करके अच्छे से मैच करके डाटा को अपलोड करके फाइल कर सकते हैं। इसने भी इसमें इतनी भी कोई भी हार्डनेस नहीं आई है अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, कि डाटा आप सही तरीके से कंपाइल करके अपडेट ना कर सके। अब लॉगिन करने के बाद यहां से आप एनुअल रिटर्न एक्सेस करते हैं, तो यहां पर देखेंगे आप, जब हम 21-22 की बात करेंगे तो यहां पर जो है ड्यू डेट शो नहीं कर रही है, बट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की डेट शो कर रही है 31 दिसंबर 2022। अगर आप इस रिटर्न को 31 दिसंबर तक फाइल कर देते हैं, जो कि इसकी ड्यू डेट है, दोनों के लिए सेम डेट है, तो कोई भी आपको पेनल्टी या लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर फाइल करेंगे 200 रुपीज पड़ेगी यहाँ पर लेट फीस लगेगी, सब्जेक्ट टू 0.25% ऑफ टर्नओवर। उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है, तो यहां पर ये डेट नहीं आ रही है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, इसका रीजन कोई डेट एक्सटेंशन से बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसमें टर्नओवर चेक करेंगे तो यहां पर आपको पता लगेगा कि इसकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम होने की वजह से यहां पर सिस्टम में डेट को शो नहीं कर रहा है। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो एसएससी है, इनकी जो ड्यू डेट, जो टर्नओवर की लिमिट है ड्यू डेट के हिसाब से, तो वो जो है 2 करोड़ से कम है। 2 करोड़ से कम होने की वजह से ही यहां पर डेट शो नहीं कर रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए क्या ड्यू डेट रहेगी, जब आपको जीएसटी आर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है 2 करोड़ से कम की टर्नओवर पे, तो भी आपके लिए सेम डेट ही वैलिड है, 31 दिसंबर। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे यहां पर तो डेट नहीं शो कर रही, हम बाद में इसको फाइल कर लेंगे, सबके लिए यूनिक डेट है। अब मैं आपको एक दूसरा लॉगिन में चेक करा देता हूं, वहां पर डेट शो कर रही है। देखिए यहां पर ये दूसरा केस है, जब हम 21-22 यहां पर सर्च कर रहे हैं, तो इस वाले केस में यहां पर ड्यू डेट दिखाई दे रही है। तो उसका लॉजिक क्या है कि इस केस में जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो डेट का यहां पर लिंक जो है वो टर्नओवर के बेस पे बनाया गया है, पर दोनों के लिए डेट जो है वो 31 दिसंबर है, कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं है। पोर्टल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ना तो जीएसटी आर 1 की डेट है, ना जीएसटी आर 3 की डेट है, जीएसटी की सारी रिटर्न ऑलरेडी जो है फाइल हो चुकी है, सबकी ड्यू डेट जा चुकी है। तो 9 और 9C के टाइम पर केवल और केवल एक पॉइंट वैलिड माना जा सकता है, वो क्या है कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, तो उसमें बिलेटेड रिटर्न जो फाइल है उसकी जो डेट है वो 31 दिसंबर है, कि आप 31 दिसंबर 2022 तक अपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट वो एक बिलेटेड आईटीआर है और उसमें 2 टाइम लिमिट जैसे कि सेट होती है कि अगर ड्यू डेट तक आप करते हैं तो काफी सारे बेनिफिट होते हैं, नहीं करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलते हैं, वो रिटर्न भी रिलेटेड मानी जाती है। और कई बार वो लोन के केस में जब आप लोन अप्लाई करते हैं कहीं जगह पे, उसको जो है फाइल को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, तो टाइमली अपनी आईटीआर फाइल कर ले। बट ये पॉइंट यहां से लिंक कैसे हुआ कि जीएसटी में, जीएसटी के एनुअल रिटर्न, क्योंकि एनुअल रिटर्न का जो डाटा है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनल होगा, तो अगर आपकी आईटीआर अभी फाइनल नहीं हुई है तो पहले आप आईटीआर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट फाइल फाइनल कीजिएगा, आईटीआर फाइल करने के बाद आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। अगर दोनों में कहीं पर भी मिसमैचिंग आती है तो आपको 100% नोटिस आने के चांस है। अब एक पॉइंट ये आता है कि सर इसमें जो ये अलग अलग टेबल्स हैं इसमें काफी चेंज आए हैं, यहां पर भी, यहां पर रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और यहां पर भी जो है एचएसएन कोड डालने की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो इसकी वजह से क्या जो जीएसटी की नोटिफिकेशन इन चेंजेस के लिए ऑलरेडी अगस्त में जब आ चुकी है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि करंट मंथ में आई है। जो भी चेंजेस है तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम था कि आप इस डाटा को अपडेट करके कंपाइल कर लेते। तो अभी फिलहाल के लिए
आज की डेट तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है, ना ही इनके ट्विटर हैंडल पर है जीएसटी का, और ना ही किसी वेबसाइट पर है। सीबीआईसी की वेबसाइट पर भी हमने चेक किया है, वहां पर भी कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है कि डेट एक्सटेंशन की बात कहीं से हो रही हो। तो आप इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब लास्ट डेट आएगी इसकी 31 दिसंबर, उस दिन जो है हो सकता है पोर्टल काम ना करे और जो डाटा है वो भी प्रॉपरली शो ना करे। तो बेटर है कि आप अपनी रिटर्न को टाइमली अभी से ही फाइल करना स्टार्ट कर दे धीरे धीरे करके। जब आप यहाँ पर जीएसटी में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं आई है पोर्टल पे। अगर इसकी कोई नोटिफिकेशन आती है, प्रॉपर सर्कुलर आता है, तो मैं फर्दर आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिएगा कि कोई भी डेट एक्सटेंशन की न्यूज नहीं है, तो डेट एक्सटेंड नहीं होगी। इससे पहले भी हमने देखा है जब इनकम टैक्स की बात हो रही थी कि डेट एक्सटेंड होगी, तो ये नहीं हुई थी। काफी लोगों को इसमें पेनल्टी लग गई थी, 1,000 रुपए की लेट फीस पे करनी पड़ी थी। तो इस तरह की लेट फीस पे करने से, पेनल्टी पे करने से अच्छा है कि आप टाइमली अपने डाटा को कंपाइल करके फाइल कर दें, अगर आपके पास सफिशियंट रिकॉर्ड्स हैं तो। अगर डाटा मिसमैच है फिर तो आपको लेट पेनल्टी या फीस के साथ ही फाइनल करना पड़ेगा। बट पहले इनकम टैक्स के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल कीजिएगा, उसके बाद आप अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि किसी के साथ भी कोई भी लेट फीस की बाद में पेनल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड है कि जैसे कोई न्यूज आती है सब सोचते हैं कि अपडेट बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी होगी, फिर लास्ट डेट में डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आपको पोर्टल पर एक्सेस, डाटा एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह के काफी सारे वीडियो जो कि डेली अपडेट से रिलेटेड है, कुछ बेसिक फाइलिंग्स इनकम टैक्स जीएसटी के चैनल पर अपलोड किए गए हैं। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे सेफ उन्नीत जैन के नाम से चैनल मिल जाएगा। आप एक बार वीडियो देखेंगे 100% आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।